नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, 3i इन्फोटेक, सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, जेनिथ हेल्थ केयर, एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट, इंटरमेस, जिसमें ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इन सारे शेयर्स में। तो इन शेयर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले है टाटा मोटर्स हमारा शेयर जो पहले लिस्ट पर है, क्योंकि इसमें काफ़ी तेजी देखने मिल रही है। लगातार जो पिछले 10 दिन है उससे इसमें तेजी चल रहा है। देखते हैं 21 सितंबर 164 रुपीज़ का स्टॉक था और अभी आ चुका है 264 रुपीज़ पर, मतलब 100 रुपीज़ का रैली हो चुका है 21 दिसंबर से। तो आप समझ सकते हैं पिछले 20 दिन में इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न मिल चुका है, मतलब इन्वेस्टर माला माल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या इसमें इन्वेस्ट किया जाए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अब इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों अब इससे आपको दूरी बना करना चाहिए, क्योंकि ये अपने इस साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस से भी ऊपर है। आप यहां पर जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, टाटा मोटर्स जो है 2019 में 2015 रुपए इसका हाई था, और उससे पहले ये 2016 में 550 रुपए पर ट्रेड करता था। 2016 में वहां से लगातार इसमें गिरावट आ रहा था ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक में लगभग। और अब यहाँ पर जो टेस्ला का न्यूज का र्यूमर है, उस र्यूमर के चलते इसमें काफी तेजी आ चुकी है। अगर र्यूमर गलत साबित हुआ तो फिर आप हायर लेवल पर ट्रैप हो जाएंगे, इसीलिए अब आपको इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। कोई भी स्टॉक मार्केट में रैली जब हो जाए तो आपको उसमें जंप नहीं करना है, बल्कि उससे पहले आपको उस रैली को कैच करना पड़ेगा। जब रैली का शुरुआत है तो उस शुरुआत वाले ट्रेन में जब ट्रेन चलना शुरू हुआ है तो आप उसमें चढ़ सकते हैं। जब ट्रेन पूरी स्पीड में हो जाए तो वो खतरे से भरा हुआ होता है। अभी ट्रेन पूरी स्पीड में है तो ये ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है इसी स्पीड से नीचे भी आ जाए। तो इसीलिए अब आप इससे दूरी बना करके, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी डेली मिलता है। डेली 5000 शेयर है जिसमें से कई सारे शेयर्स होते हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट देखने मिलता है। तो जब किसी भी स्टॉक में रैली की शुरुआत होती है तो आपको उस समय कैच करना है, ना कि रैली होने के बाद। आप यहां पर देखिए न्यूज सेक्शन में जाइए इस शेयर के, यहां पर आपको मिल जाएगा जो र्यूमर्स है। टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले जो ब्रांचेस है उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आती है, उसके ट्वीट से एक आया था कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे, मतलब इससे र्यूमर जो है सबको लगा रहा है कि टेस्ला से रिलेटेड है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस ट्वीट में टेस्ला को टैग किया गया था। और ये ट्विटर वेरीफाइड नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स के तरफ से ही ट्वीट हुआ था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने मिला फिर से टाटा मोटर्स में, जो कि तेजी पहले से था और तेजी कंटिन्यू हो गया। तो आप समझ जाइए जब तक र्यूमर्स पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देती है कंपनी, तब तक आप इसमें स्टेक आप ना लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। अगर आप हायर प्राइस पर ट्रेप हो गए तो फिर आप पछताएंगे, काफ़ी ज़्यादा पैनिक होंगे। तो इसलिए टाटा मोटर्स जैसे जैसे आपको कई सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें रैली आपको देखने मिलेगा, तो अब रैली छूट चुका है, क्योंकि टाटा मोटर्स को हमने उसी समय आपको बताया था जब ये 60-70 रुपीज़ का गिरावट में मिल रहा था कि ये स्टॉक कभी भी 200 रुपीज़ को क्रॉस कर सकता है, 150 जा सकता है, यहाँ तो 260 रुपीज़ जा चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, और ये हो सकता है यहाँ से 300 चला जाए, 400 चला जाए, अगर न्यूज़ कंफर्म हो गया तो ये 500 भी जा सकता है। तो उसके बाद दूसरा है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसमें भी एक न्यूज़ आया है कि जो जल्द जो है शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद ये स्टॉक स्प्लिट होगा। अब अगर स्टॉक जो है 10:1 के रेशियो में स्प्लिट होता है तो फिर ये 1400 रुपीज़ का स्टॉक हो जाएगा, 1500 का, तो आसानी से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसको बाय कर पाएंगे। क्योंकि जब ये 8000 के प्राइस पे था उस समय भी, मैंने कई बार आपको बताया था 4000 के प्राइस पर था उस समय भी बताया था, तो लोग कहते थे काफ़ी महंगा है, इस तरह के स्टॉक सब कैसे बाय करेंगे। दोस्तों महंगे स्टॉक, तो इसलिए इसको स्प्लिट किया जाता है, बोनस दिया जाता है, ताकि स्टॉक का जो वैल्यू है वो प्राइस छोटा हो जाए, जिससे रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो जल्द ही इस स्टॉक को स्प्लिट करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि शेयर होल्डर के अप्रूवल पे है। तो इसमें भी न्यूज सेक्शन में जैसे आप आएंगे तो यहाँ देख लीजिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी बोर्ड टू मीट नेक्स्ट मंथ टू कंसिडर सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ सब डिविजन जो होगा इक्विटी शेयर का उसके बारे में कंसिडर कर रहा है। उसके बाद आता है 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक में फिर से आज अपर सर्किट लग चुका है, जैसे लोअर सर्किट लगा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर तुरंत पैनिक हो गए। इसमें हमने कई बार आपको बताया था इसका जो एक बिजनेस है जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसका वैल्यूएशन लगाया गया 1000 करोड़, और इसमें जो सर्विस बिजनेस है इसका 50 कंट्रीज में ये सर्विस देती है उसका वैल्यूएशन जोड़ दीजिए, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होता है आप लगा लीजिए। अभी मात्र इसका मार्केट कैप है 1300, जबकि इसके एक बिजनेस का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो है 1000 करोड़। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कम से कम कितना होना चाहिए, जितना इसका वैल्यूएशन है उससे अधिक होना चाहिए।
तो बस इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने लगा क्योंकि ये 4 रुपीज़ से ये स्टॉक रैली कर रहा है और यह 9 रुपीज़ तक जा चुका था, तो थोड़ा सा इसमें सब जो है प्रॉफिट बुकिंग होने लगा है। ये लेवल पे प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर से देखते हैं, आज अपर सर्किट हिट कर चुका है, तो इसी तरह अपर सर्किट लोअर सर्किट के साथ ये उस समय तक आगे बढ़ते रहेगा जब तक इसका फेयर वैल्यू नहीं आ जाता है। जैसे ही इसका फेयर वैल्यू आ जाएगा वहाँ पर बस ये ट्रेड होने लगेगा स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छा खासा है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे मैंने भी इन्वेस्ट किया मात्र 160 शेयर मैंने लिया है, बस लेकर के रख दिया है। ज़्यादा शेयर आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, कि ऐसा नहीं पैनी शेयर में सारा का सारा रुपया लगा दिए, फिर अगर आप ये मान लीजिए 0 रुपया पे आ जाता है तो आपका सारा का सारा अमाउंट चला जाएगा। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, जैसे ये पैनी शेयर्स में थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है, तो इसलिए आपको ऐसे शेयर में छोटे अमाउंट ही लगाना है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि ये शेयर पैनी शेयर्स जो है ये भी आपको 2 साल 4 साल 5 साल जब इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। कोई स्टॉक ऐसा नहीं होता आज 1 रुपया का है और 1 महीने में वो 1000 रुपीज़ का हो जाएगा। टाइम सब स्टॉक को देना पड़ेगा तब आपको वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसलिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी हो उसी को चुने। जैसे आप आता है न्यूज में सुजलॉन एनर्जी, ये बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही बड़ा रिटर्न देगा इन्वेस्टर को। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, ये स्टॉक इस तरह से अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलता रहेगा, देखते जाइए। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए, ये स्टॉक पहले कितना का हुआ करता था, 20 रुपीज़ का, वहाँ से आ गया कहाँ 2 रुपीज़ पर, और यहाँ से फिर से ये जा चुका है 7 रुपीज़ से फिर से 6 रुपीज़ से फिर से देखते हैं अपर सर्किट। तो इसी तरह ऑपरेटर लोअर प्राइस पर बाय करके इसको ऊपर ले जाएंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर शेयर नीचे आएगा और आप ऊपर प्राइस पर फंसते जाएंगे हमेशा बार बार। इसलिए ऐसे स्टॉक को कभी भी हायर प्राइस पर बाय ना करें और कभी भी बड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्ट ना करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। उसके बाद है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल में देखते हैं आज लोअर सर्किट काफ़ी ज़्यादा, सुजलॉन एनर्जी ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन एनर्जी ऊर्जा ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे है। कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे छोटे छोटे पैनेसियर को खूब प्रमोट करते हैं और खूब अच्छा रिटर्न कमाते हैं। तो ऐसे स्टॉक जो है अगर उनको इतना अच्छा रिटर्न देते तो वो काफ़ी अमीर हो गए रहते। दोस्तों अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, आपको वहाँ पर डिविडेंड भी मिलता है, बोनस शेयर भी मिलता है। ये कंपनी आपको रिटर्न होता है, आप 10 पैनी शेयर में इन्वेस्ट किए 1 दे देगा, लेकिन आपको यहाँ डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस शेयर नहीं मिलेगा। तो कई सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स होते हैं जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में मिलते हैं। ऐसे देखिए यहाँ लोअर लेवल पे इन्वेस्ट किए रहते हैं तो आपको भी इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता, यहाँ पर देख लीजिए 800% 700% का रिटर्न। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो नीचे के लेवल पर कीजिए और छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। अगला है हमारा जेनिथ हेल्थ केयर। ये भी कंपनी मतलब जो पैनी शेयर है उसमें काफ़ी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ये शेयर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो कंपनी फंडामेंटल्स को देखिए, किसी एक वीडियो में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक वीडियो में कि ये कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी से बेहतरीन होता जा रहा है और कंपनी का शेयर प्राइस में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। मात्र 80 पैसा का शेयर अभी देख सकते हैं 16 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर जा चुका है और ये 1700% का रिटर्न दे चुका है मात्र 26 मार्च से जनवरी 2021 में। तो ये स्टॉक मार्केट का भी सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर में से एक है। अगला है हमारा एफएल इंडिया। ये काफी बेहतरीन शेयर में से एक है। ये स्टॉक देख सकते हैं मात्र 800 का हुआ करता था, अभी 4000 पहुंच चुका है और ये भी स्टॉक 5 टाइम्स हो चुका है, मतलब अपने प्राइस से 5 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स का आपको रिटर्न दिया। तो इतना अच्छा शेयर जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एकदम आराम से सो सकते हैं, चैन का नींद ले सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए पैनी शेयर्स में, लगातार लोअर सर्किट लगातार अपर सर्किट, जब लोअर सर्किट लगेगा आप बेचैन होंगे, अपर सर्किट लगेगा तो खुशी में रहेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा इन्वेस्ट करना अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में और जो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है छोटे छोटे पैनी शेयर्स में, जैसे 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, 1000 कर दिए अगर ज्यादा रुपया है आपके पास। अगला हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस। ये भी काफी बेहतरीन शेयर है, ये भी शेयर देख सकते हैं काफी गजब की तेजी में। ये भी मात्र 1000 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था 2019 के अगस्त में और अभी हो चुका है 8000 रुपीज का स्टॉक और ये दिया है 576% का रिटर्न अगस्त 2019 से जनवरी 2021 में। तो देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो स्टॉक है वो भी आपको 500-600% का रिटर्न दे रहा है, जिसमें आप एकदम चैन के साथ चैन का नींद लेते हुए आप आराम से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये भी स्टॉक कभी भी स्टॉक स्प्लिट कर सकता है या कभी भी आपके लिए बोनस शेयर लेके आ सकता है।
तो जैसे कि डिसीजन टेक्नोलॉजी में कंसिडर किया जा रहा है, शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा, बोर्ड मीटिंग में तय होगा, तो आपको वहाँ पर स्टॉक स्प्लिट देखने मिल सकता है। उसी तरह इंडिया मार्ट इंटरफेस काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है, ई कॉमर्स बिजनेस है इसका, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है कंपनी, प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रही है कंपनी की। उसके बाद एयरटेल, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और काफ़ी तेज़ी है, ये तो 400 का जब स्टॉक था तभी आपको बताया था, इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन है। जो आने वाले समय है उसमें डाटा का जो यूज होगा हमेशा यूज होता रहेगा आने वाले समय में, जैसे हम 4G की तरफ गए, मतलब आप 4G पर आ चुके हैं तो 5G पे आएंगे, 6G पे आएंगे, इस तरह से यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं लगातार मतलब डाटा प्रोवाइड करने में रहेगी, जियो रहेगी, मात्र दो ही कंपनी इंडिया में अब जिसका मोनोपोली है इस बिजनेस में, साथ साथ ही ये एक MNC कंपनी है, कई और सारे कंट्री में भी कंपनी के बिजनेस हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ जो अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है जेसोफ जी, उनका भी इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ रहा है, वो भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और साथ साथ इस सेक्टर में जो है 100% FDI का अप्रूवल मिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा तेजी इस स्टॉक में हो सकता है कि जितना FII का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो FII है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसका जितना अधिक इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही अधिक आपको इस शेयर में तेजी देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे अभी स्टॉक्स थे जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पसंदीदा हैं। हम एक ही बात बोलेंगे, जिस स्टॉक में न्यूज आए उसमें आप पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि वो स्टॉक कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी डाउन गिर सकता है, तो न्यूज वाले स्टॉक से दूर रहें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुनें, उसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करें या शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें ट्रेडिंग करें, जो भी करना है, लेकिन न्यूज वाले स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। न्यूज वाला स्टॉक आपको हो सकता है कि लक लगा तो अच्छा रिटर्न देगा, हो सकता है आपको बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जब आप पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।